सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो ने यूपी पुलिस के सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी है। हम आपको कुछ बताएं, उससे पहले ये वीडियो देखिए और बताएं कि क्या आपको ईंटों के ऊपर रखा ये लकड़ी का खोखा दिख रहा है। खोखे के अंदर रखे बर्तन और बर्तन के बगल में आराम फरमाती यूपी पुलिस की कैप दिख रही है। नहीं दिख रही तो जरा फिर देखिए और सोचिए कि अगर कैप यहाँ है तो कैप वाला कहाँ है। आइए अब आपको बताते हैं कि पुलिस की ये कैप आखिर किसकी है। तो लीजिए मिलिए यूपी के हरदोई जिले के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात शैलेंद्र सिंह चौहान से। अरे ये क्या, दारोगा साहब तो हाथ में ड्यूटी पर रहते हुए शराब का पान कर रहे हैं। वहाँ रही यूपी पुलिस। अब आपको पूरा किस्सा बताते हैं। दरअसल चाय की दुकान में कुर्सी पर बैठे दारोगा जी एक टांग पर दूसरी टांग रखे शराब से भरे गिलास को अपने हलक से नीचे उतारने ही जा रहे थे कि तभी किसी ने उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बनते देख दारोगा जी गिलास रख देते हैं और वीडियो बनाने वाले को पास बुलाते हैं, लेकिन वीडियो बनाने वाला शख्स दारोगा जी से डरे बिना उनका हर एंगल का वीडियो कैमरे में उतार लेता है। क्या कर रहे हो? इस वीडियो के सामने आने के बाद से लोग जिले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर सवाल उठाएं तो क्या गलत होगा। योगी सरकार जहां एक तरफ प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हर स्तर पर मजबूत फैसले ले रही है, वहीं यूपी पुलिस की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सोशल मीडिया के दौर में जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव ने बताया कि एसपी के निर्देश पर आरोपित दारोगा को निलंबित कर जांच बैठाई गई है। आप भी सुनिए। कोतवाली शहर थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उप निरीक्षक यातायात श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जो है किसी दुकान पर शराब पीते हुए दिख रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है और इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच क्षेत्राधिकारी कराई जा रही है। जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।